तो इसके लिए हमारे पास बनेगा पाई प्लस पाई बाय थ्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास फोर पाई बाय थ्री। और लास्ट वन के लिए हमारे पास क्या करते हैं हम, टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिक्स पाई। सिक्स पाई में से एक पाई निकाल दिया तो ये आ गया फाइव पाई बाय थ्री, फाइव पाई ओवर थ्री। तो इसको एट द एंड हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट कौन सा है इसका, ये अभी पूरे ये क्वेश्चन है ना? यस सर। सही है, बिस्मिल्लाह करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसमें करना है हमने, ये सारे क्वेश्चन है जितने भी हैं सारे सेम पैटर्न के हैं। सीकेंड स्केयर है, सीकेंड स्केयर का हम स्केयर खत्म करेंगे, अंडरवुड लेंगे बहुत साइड, तो वही बन जाएगा क्वेश्चन। अब पहले साइन था, अब कॉज आ जाएगा। सीकेंड है ना, सीकेंड का रेसिप्रोकल होता कॉज, तो ये भी रेसिप्रोकल चेंज हो जाएगा। ये 30 पे होता है, पाई बाय 6 पे होता है ये वाली वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू किस किस में होती है, फर्स्ट में और फोर्थ में कॉज। फोर्थ में। हाँ जी, तो इधर हमारे पास ये फर्स्ट में आया था पाई बाय 6, और फोर्थ में हमारे पास बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 पाई ओवर 6। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव वाले के आंसर। नेगेटिव वाले के आंसर हमारे पास सेकंड और थर्ड में है, सेकंड में से पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 5 पाई बाय 6, और जब हम करेंगे थर्ड के लिए तो उसमें पाई प्लस करेंगे पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 पाई बाय 6। तो ये हमारे पास 7 पाई बाय 6। हाँ, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और आपको पता होगा कि साथ में 11 चैप्टर में हमने साथ ये भी डिस्कस किया हुआ है, साइन कोज और कोसेकेंट और सीकेंट का हमारे पास जो है पीरियड वो क्या होता है, 2 पाई। वो जो 11 एक्सरसाइज की थी हमने, हाँ, तो वो सारा पीरियड इसमें ऐड कर देता है, वो 2n पाई। वो लास्ट टाइम कह रहे थे ना, पूछ रहे थे कि वो ऐड करते हैं, वो ऐसे ऐड करता है सब में, उसका पीरियड ऐड कर देंगे। करें भी या ठीक है, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। ओके हाँ चलो, अभी अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इसका अब आता है क्वेश्चन, बाकी खुद ही कर लेना, इन्होंने भी लिख दिया डू योर सेल्फ, बाकी भी खुद ही कर लेना, वो सारे सेम एज इट इज ही हैं। यस सर, कर लेंगे खुद ही वो, ठीक है ना, हो जाएंगे। यस सर। चलो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके ना, पहले ये तो इसमें से आ जाता था लॉन्ग, अब तो वो भी नहीं आना। अब जस्ट शॉर्ट के लिए, अब ये देखें, ये क्वेश्चन में हमारे पास इसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है हमें, जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट नहीं होती सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो yes, sir. अब ये देखें, टेन इधर बिहेव कर रहा है एज एक्स, थ्री इधर बिहेव कर रहा है, ए बिहेव कर रहा है इधर थ्री, बी बिहेव कर रहा है टू अंडर रूट थ्री, और सी बिहेव कर रहा है वन। ठीक है, अब दो तरीकों से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इनके पेयर्स बना लें, पेयर्स बनाने हैं तो पेयर्स बनते हैं, तो पेयर्स बना लें, पेयर्स नहीं बनाने तो आपको पास आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं कंप्लीट। इसने क्या किया हुआ, इसने इसका ये देखें, ये बेसिकली होता है ए का स्केयर, ये बी का स्केयर, ये टू ए बी। अब उसने क्या किया, इसको इनका स्केयर, क्योंकि उसने देखा इधर हमारे पास अंडर रूट थ्री आ रहा है, अंडर रूट थ्री, इसको अंडर रूट थ्री बना लिया, अंडर रूट थ्री टेन थीटा का स्केयर कर लिया। जब खोलेंगे तो दोबारा यही बन जाएगा हमारे पास, प्लस टू ए ये रकम, और बी हमारे पास वन है, वन का स्केयर और साथ वन। तो दोबारा देखेंगे इन, जब इसको एक्सपेंड करेंगे दोबारा ये वाली टर्म बन जाती है हमारे पास सारी की सारी। तो ये स्केयर बन गया हमारे पास ए प्लस बी का होल का स्केयर।
तो इधर से हमारे पास बन गया ये, जब स्क्वायर रूट हम बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इधर आ गया अंडर रूट थ्री टेन थीटा, ये वन दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, अंडर रूट थ्री इधर आके डिवाइड हो गया, तो इनका टेन जब इनवर्स लेंगे, टेन इनवर्स की ये वैल्यू किस पे होती है, वो वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है, वो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की है। अब इसमें जस्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये आती है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसके फैक्टराइजेशन जो कल आपको बताई थी। अब रेफरेंस एंगल हमारे पास उसका ये आ गया 5π/3। अब ये 5π/3 कैसे है इसने निकाला, क्योंकि पहले देखें इसका रेफरेंस एंगल हमारे पास बेसिकली निकलता क्या है। रेफरेंस एंगल इसका निकलता ये tan 60 पे होती है इसकी वैल्यू ना, तो tan 60 हमारे पास आ गया π/6। अब tan हमने देखना था किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan जो है हमारे पास वो किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो tan हमारे पास नेगेटिव होता है दूसरे और चौथे दूसरे चौथे में, tan 60 π/3 होता है, π/3 हां π/3 सॉरी π/3 होता है 60 ना, 60 पे होती है ये वैल्यू। यस यस यस। अब ये tan नेगेटिव होता है थर्ड में और सेकंड में और फोर्थ में। अब थर्ड और सेकंड और फोर्थ इसको हमने कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पाई माइनस पाई बाय थ्री और टू पाई माइनस पाई बाय थ्री। तो इधर से हमारे पास क्या बन जाएगी, थ्री पाई माइनस ये बन जाएगा बेसिकली टू पाई बाय थ्री और इधर से बन जाएगा हमारे पास पाई, तो साथ हमने एन पाई लगा दिया। और एन कहां से बिलोंग करता है हाफ साहब, वो जो स्टेटमेंट शुरू में लिखी नहीं हुई थी, यस सर, हाँ वो वाली स्टेटमेंट को हम बना के लिख रहे हैं, यूनियन इसके साथ यूनियन। फिर इसी तरह हमारे पास ये यूनियन क्यों है सर, ये बता दें क्या हुआ, यूनियन क्यों है, यूनियन यूनियन बेसिकली यूनियन किसको करता है, ये हमने बताने, हमारे पास दो आंसर आए ना, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दोनों आंसर हमने लिखे हैं। फर्स्ट आंसर हमने ये लिखा और यूनियन मतलब दूसरा आंसर, यूनियन में इंक्लूड करता है ना उस आंसर को भी, सम अप करता है बेसिकली यूनियन, यस सर, हाँ इस वजह से हमने उसको लिखा, मतलब हमने सारे के सारे आंसर इसमें पुट करने, वो हम नॉर्मली जैसे हम प्लस प्लस करके लिख देते हैं, तो इस मैथमेटिक्स में हमने जब ये सेट लिखना होता है तो उस सेट के दरमियान में हम लिख देते हैं यूनियन, कि ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। और सर ये टेन के लिए पाए और जो क्या कहते हैं साइन और कॉस के लिए टू पाए होगा, हाँ एग्जैक्टली exactly. ये आपने किसमें पढ़ा था भला, 11 चैप्टर में, हाँ जी सर जी वही वही। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये बेसिकली तो ये क्वेश्चन होती है ना सिंगल वेरिएबल में, सर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हमने 3 ही है, जी जी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है, सर एक मिनट ऊपर करें, इसमें जवाब गलत दिया उसने, अच्छा हाँ इधर 3 आ रहा था ना, इधर 6 आ रहा था उसमें, नहीं सर मुझे लगता है 3 ही आना है, भाई 3 ही आना है, सॉरी 6 ही आना है वो 30 डिग्री का शायद, मैं कंफर्म कर रहा हूं, सर पीछे से कंफर्म करता हूं, ये वो वैसे ही देख रहा हूं, हमने 3 की है ना, हां जी 6 आना है, हां जी ठीक है ठीक है 6 आना है सर, ठीक हो गया, अभी आपने बताया था कि मैंने फिर उसके मुताबिक कर लिया, उसमें चेंजिंग कर लीजिएगा, जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था ना, ठीक है सर, आपने कहा था वो 60 डिग्री है, हाँ साइन 30 की वैल्यू ये होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाय 2, तो 2 से कैंसिल हो गया 1 ओवर अंडर रूट 3, हाँ ये 30 पे आनी थी उसकी वैल्यू, पाई बाय 6 पे आनी थी वैल्यू उसकी, तो वो पाई बाय 6 में से ही माइनस करना था हमने। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिंगल वेरिएबल होता है, एक्स वेरिएबल होता है इसमें, एक्स बिहेव
करता है इधर, एक्स इधर बिहेव करता है एज अ वेरिएबल। अब इधर देखें, इधर हमारे पास है टेन और इधर आ गया सीकेंट, मतलब इन केस ये देखें ये वाली क्वेश्चन ए एक्स के प्लस बी वाई प्लस सी, अब ये वाली क्वेश्चन बन रही है। अब इस पर तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, ना इस पर हम कोई और फार्मूला लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूला था वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर, हाँ इधर से टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर माइनस वन, हाँ तो इसकी जगह वैल्यू पुट की, तो ये सीकेंट स्क्वायर माइनस वन माइनस सीकेंट थीटा माइनस वन, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस टू टू। तो नेक्स्ट हमारे पास अब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई। अब ये देखें, इसमें हमारे पास ये बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो अब हम इसके मतलब ये देखो, इसको रेज करके ना मैं लिखता हूँ इसकी जगह, जैसे हम सिंपल एक्स को नहीं करते उसकी फैक्टराइजेशन, आपने अब टेन के रिस्पेक्ट करनी है, सीकेंड के रिस्पेक्ट करनी है। अब बेसिकली ये सीकेंड है हमारे पास, तो ये देखिए उसने पेयर्स बना लिए, तो पेयर्स इधर से क्या बनने थे, टू और वन, टू में से वन निकालेंगे तो माइनस बन जाएगा हमारे पास, टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो इन दोनों फर्स्ट में से, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, सीकेंड थीटा, पीछे रह गया सीकेंड थीटा माइनस टू। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट वाले में कोई चीज, जिसमें से कोई चीज कॉमन ना आए तो उसमें से वन कॉमन आता है। तो इधर हमारे पास ये देखना होता है, ये वाला जो पेयर्स हैं ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों पेयर सेम है तो सीकेंट थीटा माइनस टू कॉमन आ गया दोनों में से, और पीछे रह गया हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस वन। अब इधर से दो क्वेश्चन बन गए, सीकेंट थीटा प्लस वन और सीकेंट थीटा माइनस टू। अब ये देखना है हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस वन, अब इधर से हमारे पास आपको आइडिया है इसका, सीकेंट थीटा इक्वल टू माइनस वन, अगर सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो ये बन गया माइनस वन, तो ये कॉस थीटा इक्वल टू किसके आ जाएगा, फिर भी माइनस वन की आएगा, माइनस वन के। और इधर से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, थीटा की, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, हमें पता है कॉस जीरो वन होता है, यस ठीक है ना, रेफरेंस एंगल हमारे पास जीरो बन गया। अब हमारे पास ये हाफ़ साहब लगे हुए हैं, यस सर, चलें कोई नहीं कोई नहीं ऐसे। अच्छा अभी इधर से देखें, हमारे पास इधर से हमारे पास दूसरे में बनेगा सीकेंट थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, सीकेंट थीटा इक्वल टू टू, इधर से बन जाएगा जब वन ओवर कॉस थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा टू, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय टू, तो cos थीटा 1 बाई टू होता है, ये हमारे पास वैल्यू देता है 60 पे पाई बाय 3 पे। तो अब इसके रेफरेंस एंगल दोनों के फाइंड आउट हो गए, फाइंड आउट होने के बाद आप दूसरे एंगल्स लॉन्ग करके इसमें उसका जो है पीरियड वो ऐड कर सकते हैं, वो नीचे आपको दिखाता हूँ इसने किया होगा। हेलो सर, ठीक हो गया, अभी ये आ गया, ये आ गया हमारे पास है ना उसके पीरियड्स। वो उसमें एट द एंड उसने पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन में उसने लिख दिया सॉल्यूशन सेट या जनरल वैल्यू। अच्छा भी ये भी सवाल अब दोबारा जो आ रहा है, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो उधर से हमारे पास बन जाएगी वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा, वन वन से कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा इक्वल टू
-2। अब ये देखें, इधर से बन गया साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू -2। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा 0 कब होता है? ये यहाँ तो 0 पे होता है। ये देखें, इसका आंसर ऐसे ही आना था ना, साइन पॉजिटिव है ना। अब इसका आंसर 0 आएगा, या पाई माइनस थीटा आना था, और थीटा हमारे पास इधर क्या है, 0। तो आंसर क्या बन गया, 0 पे और पाई पे, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब ये इसने क्या रीजन लिखी है, साइन थीटा इक्वल टू 2 विच डज नॉट एज साइन थीटा। आपको याद है इसकी डोमेन और रेंज, रेंज की जब जिक्र किया था हमने, रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा माइनस बेसिकली फाइव बाई टू माइनस माइनस फाइव बाई वन से टू क्या? लेके वन तक, जो भी आपको बताया था, आप इन्फिनिटी पुट करें, जो मर्जी पुट करें, लाखों अरबों करोड़ों का मतलब इसका ले लें आप, साइन का, साइन थीटा मतलब थीटा की जगह आप जो मर्जी वाली पुट कर दें, जो आप उसका हमेशा इस इंटरवल के अंदर रहना है, -1 और 1 के दरमियान। अब ये देखें, इधर जो आप उसने क्या दे यस दिया, सर, 2 दे दिया, तो इसका मतलब वो उसके टू अंदर लाई नहीं कर रहा, विच डज नॉट होल्ड एज, और या विच डज नॉट लाई इन डेट इंटरवल। तो इधर से हमारे पास हम 0 प्लस 2 एन पाई, पाई प्लस 2 एन पाई, मतलब उसका पीरियड ऐड कर दिया उसके अंदर। 0 में जब ऐड करेंगे वो तो 2 एन पाई रह जाएगा, पाई प्लस 2 एन पाई, ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस बात की क्लियरिफिकेशन हो गई है सबको? यस सर, चलें सही हो गया। इसके अच्छे डोमेन के से बारे समझ में गया। हमारे, मतलब आपको जब लिखवाई थी डोमेन तब भी ये बात की थी कि जब भी आपके पास आए साइन इन्फिनिटी भी आ जाए ना, तो आपने कहना है, तो उसका आपने उसका आंसर क्या लिखना है, बस आपने लिख देना कि एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1। लेट्स सपोज अगर हम लिखते हैं ना इधर साइन इन्फिनिटी, तो उसका आंसर हमने ये नहीं कहना कि 0 या कुछ और है, हमने ये लिख देना, उसमें रीजन लिख देनी है, एनी नंबर बिटवीन -1, मतलब यहाँ बिटवीन इस इन डेट इंटरवल। अगर ये नहीं लिखना तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, और -1 एंड 1, मतलब साइन का हमेशा जो जवाब है उसने इस कमरे से बाहर नहीं जाना, ये इसका रूम है फिक्स किया हुआ, तो यही रूम रहना है उसका, जैसे क्लासेस आजादी में। बड़ी काम है, क्या हुआ? आजादी बड़ी काम है। हाँ जी, आज बादी काम ही आई है, आज मौसम अच्छा है ना, तो वहां निकली हुई है आउटिंग पे मैं। शायद छतों पे चढ़े होंगे। चल जिधर भी है, अल्लाह खैर रखे। अच्छा भी ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एंड लेस्ट, जो आज की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन ये है, 2 sin² थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, 2 sin थीटा -1। अब साइन थीटा इक्वल टू 0, 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी, उसने तो लिख दिया ना। नाउ यू, अच्छा भाई, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 0, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, ये थीटा का आंसर आ जाएगा किस पे, साइन 0, 0 होता है, और सेन पाई माइनस, जीरो पाई माइनस 0 करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास पाई, मतलब ये दो आंसर आ गए, एक और दूसरे के आंसर हमारे पास इधर से बनेंगे 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0, तो 2 sin थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब टू साइन थीटा 1/2 किस पे होता है, 30 पे, पाई बाय 6 आ गया, 30 आ गया। अब साइन की वैल्यू कौन कौन सी है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में से ये माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5 पाई बाय 6। तो इनके आंसर हमने लिख देने हैं, जब उसमें एट द एंड लिखेंगे, पाई प्लस 2 एन पाई, 0 प्लस 2 एन पाई, पाई प्लस ए पाई बाय 6 प्लस 2 एन पाई, और 5 पाई बाय 6 प्लस 2 एन पाई। तो इनको मतलब ऐसे ही ब्रैकेट्स में लिख के दरमियान में यू ना डाल देने, इनके जो जनरल सोल्यूशन होगा ना इसका। क्लियर हो गया?
यस सर। चलें जी, अल्लाह ख्याल रखे, ये तो एक्सरसाइज हमारी होगी वाइंड अप। इसके 6 ही क्वेश्चन हैं ना? यस सर। यस सर, अब क्या करना यस है? सर। अब पहले हमने क्या करना है इंशाल्लाह, मैं अब ऐसे करते हैं, हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जो फर्दर है ना, इसका चौथा चैप्टर, वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।